देखिए, जहाँ तक छोटे बच्चों के शिक्षा का सवाल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा बड़े बड़े स्कूलों, बड़े बड़े नाम के पीछे भागना कतई उचित नहीं है। ऐसी भ्रांतियाँ समाज में फैलाई गई हैं, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि बड़े स्कूलों द्वारा मार्केट की गई हैं। अगर किसी छोटे बच्चे में कुछ विकास करना है तो उसके व्यक्तित्व का विकास करना है, और व्यक्तित्व का विकास कई चीज़ों से मिलकर होता है, जैसे परिवार से, समाज से, शिक्षकों से, ये सारे मिलके जब काम करते हैं तो उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। स्कूलों की भूमिका है लेकिन लिमिटेड है। मेरा जो माता पिता हैं बच्चों के, उनसे ये अनुरोध है कि वो इस तरह के लुभावने विज्ञापनों के पीछे ना भागें जो कि स्कूलों द्वारा मार्केट किया जा रहा है समाज में। वो अपने घर के पास ही किसी एक ठीक ठाक स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन दिलाएं, और इन बहुत महत्वपूर्ण है कि वो शिक्षकों से मिलें, वो शिक्षकों से पूछें कि अपने बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको खुद चेक करें, वो शिक्षकों को अकाउंटेबल बनाएं कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। क्योंकि माता पिता अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहते हैं, उनके पास इतना भी समय नहीं है कि वो अपने बच्चे से ये पूछे कि तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, आज तुमने क्या किया। क्या माँ बाप किसी भी दिन शाम को जब बच्चा स्कूल से आता है तो उससे पूछते हैं क्या कि बेटा आज तुमने क्या सीखा? अगर वो पूछ ही नहीं रहे हैं तो इसका तो वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। वो पूछना अगर शुरू करते हैं कि तुमने क्या सीखा और वो संतुष्ट नहीं होते हैं, और वो जा कर के अगर शिक्षक से पूछते हैं फिर कि भाई आप पढ़ा रहे हैं लेकिन हमारे बच्चे को ये चीज़ें नहीं हैं, तो शिक्षक पे दबाव बनेगा। तो कोई भी स्कूल होगा वहाँ के बच्चे अच्छा ही करेंगे। और अगर भारत में आप देखें तो जो सरकारी स्कूल हैं जिनकी फीस बहुत कम है, वहाँ पे सबसे योग्य शिक्षकों की नियुक्ति होती है। जब भी कोई सरकार नियुक्तियाँ करती हैं तो जो भी सबसे अच्छे लोग होते हैं वो चुने जाते हैं किसी प्रक्रिया के तहत। अगर आज के 25 साल पहले की आप पीढ़ी को देखें तो पूरी पीढ़ी जो है सरकारी स्कूलों से पढ़ के निकली, और आज वही इस देश के नीति निर्माता हैं, सारे बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो भी सारे सरकारी स्कूलों से पढ़े हुए हैं। 25 साल पहले इस तरह से प्राइवेट स्कूलों या बहुत महंगे स्कूलों में जाने का कोई चलन नहीं था। तो ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत अच्छे नाम वाले जो स्कूल हैं वहाँ ही जाने से अच्छी पढ़ाई होगी, बल्कि मैं तो इसमें ये कहूँगा कि ऐसा करने से देश में एक ना डिवाइड पैदा हो रहा है बहुत बड़ा, और जिसको भर पाना आने वाले समय में बहुत कठिन होगा देश के लिए, और जिसकी कीमत भी देश को चुकानी पड़ेगी। हो सकता है एक क्लास वार भी देश में हो जाए इसके नाते। अगर आप देखें आज की डेट में तो जो सबसे एलीट क्लास है वो बहुत महंगे स्कूलों में, अंग्रेजी बोलने वाले स्कूलों में पढ़ता है, फिर जो मिडिल क्लास है वो कुछ और सरकारी जो अच्छे स्कूल हैं, मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय है या कुछ और स्कूलों में पढ़ाई कर रहा है, जो गांव में बिल्कुल गरीब बच्चा है वो वहाँ की प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है, जहाँ पे समय से सारे शिक्षक ना आते हों, या बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ मिड डे मील के चक्कर में वहाँ आ जाते हैं। तो कई तरह का क्लास भारत में क्रिएट हो जा रहा है, एक अंग्रेजी बोलने वाला एलीट क्लास तैयार हो रहा है, एक मिडिल क्लास तैयार हो रहा है, एक और जो है दूसरी श्रेणी तैयार हो रही है, और टैलेंट तीनों ही में है, चाहे वो अंग्रेजी बोलने वाले बच्चे हों या किसी लोकल भाषा में बात करने वाले स्कूलों के बच्चे हों, टैलेंट सब में बिखरा पड़ा है। लेकिन जो बच्चे गाँव में हैं या जिनकी शिक्षा अंग्रेजी में नहीं है, वहाँ तक बड़ी बड़ी कंपनियां या और तरह के लोगों की पहुंच नहीं है, तो क्या हो रहा है कि उनका योगदान समाज के विकास में शायद कम है। बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद जो इक्वल अपॉर्चुनिटी का कंसेप्ट है कि सबको बराबर का भागीदारी मिले, या जो हम इंक्लूसिविटी कहते हैं कि सब सम्मिलित हों विकास में, वो इसके ये चीज़ें उसके बिल्कुल अगेंस्ट हैं। जबकि सरकारों की ये आज की डेट में बहुत ज़्यादा इस पर विचार हो रहा है कि इंक्लूसिविटी को बढ़ाया जाए,
सबकी भागीदारी को बढ़ाया जाए समाज में, सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले, लेकिन इस तरह का व्यवस्था क्रिएट करना कि एक पर्टिकुलर स्कूल बहुत अच्छा है फिर कुछ उससे ख़राब है फिर कुछ उससे ख़राब है, या आप अपने आप में इसके अगेंस्ट है। तो सरकार ऐसा क्यों नहीं करती है कि गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी स्कूल हो, ऐसे नियम लाए जाने चाहिए कि 5 किलोमीटर के दायरे में जो भी स्कूल होगा उस क्षेत्र के बच्चों को वहीं एडमिशन मिलेगा। ऐसा करने, ऐसा बहुत देशों में है, बहुत सारे विकसित देशों में है। ऐसी व्यवस्था करने का सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि जो इंक्लूसिविटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी जैसी चीज़ें सरकार लाना चाहती है समाज में, वो अपने आप ही पूरी हो जाएंगी। क्योंकि एक क्षेत्र में रहने वाले, चाहे गरीब हों या अमीर हों या सरकारी अधिकारी हों या कर्मचारी हों, सबके बच्चे एक ही स्कूल में पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे, उनमें सामंजस्य बढ़ेगा, उनमें दूरियां नहीं रहेंगी, तो एक दूसरे की जो समस्याएं हैं उनके बारे में उनकी अंडरस्टैंडिंग भी बहुत बढ़ेगी। तो इस तरीके से आप देखेंगे एक ऐसे भारत का निर्माण होगा आने वाले समय में जहाँ पे ज़्यादा प्रेम होगा, ज़्यादा भाईचारा होगा, एक भारत होगा और डिवाइड नहीं होगा। ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है कि आखिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है, हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं। हम बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हमको देश बनाना है, हमको भारत बनाना है, और यही हमारे भविष्य हैं। आज हम जो बीज इनमें डालेंगे वैसा ही भारत भविष्य का बनने वाला है, और ये शिक्षा का मूल्य उद्देश्य है। तो हमें ये सोचना होगा कि हम आज के 50 साल बाद, 25 साल बाद कैसे भारत का निर्माण करना चाहते हैं। इसके बिना अगर हम शिक्षा देंगे और सिर्फ किताबी ज्ञान देते रहेंगे कि हम SST सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हिंदी पढ़ा रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, ये तो पढ़ाना ही है, लेकिन इससे देश नहीं बनता है। देश का बनना आवश्यक है, चरित्र निर्माण होना आवश्यक है, व्यक्तित्व का विकास होना आवश्यक है, और जो 9 साल की उम्र होती है, 9-10 साल की उम्र होती है बच्चों की, उसी में उनका ब्रेन सीखता है। बहुत सारे शोध हुए हैं पूरे दुनिया में, और जो मेरा अपना इंटरेक्शन है लोगों से, जो लोग इस शिक्षा के क्षेत्र में अमेरिका में और देशों में शोध कर रहे हैं, मैंने भी जो काम किए हैं इस तरह के, उनसे यही निष्कर्ष निकलता है कि जो बच्चों का दिमाग का विकास होता है, मस्तिष्क का जो विकास होता है, वो 9-10 साल तक होता है शुरू में। और हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत छोटे छोटे न्यूरॉन से मिलकर बना है, असंख्य न्यूरॉन हैं, अरबों न्यूरॉन हैं जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और उनकी ट्रेनिंग होती है समय के साथ साथ। तो जैसे कोई छोटा बच्चा है, वो गया आग के पास, आग को छूता है वो जल जाता है, तो सीखता रही ये तो ऐसी चीज है जो नुकसान पहुंचाती है। फिर वो थोड़ा और मॉडुलेट करता है, थोड़ा अलग अलग डिस्टेंस से अपनी उंगली को रख के वो देखता है, तो उसको समझ आता है इतनी दूरी से हम नहीं जलेंगे। तो उसका बिना किसी के बताए, कोई बता नहीं रहा है, वो अपने आप सीख रहा है। तो हमारा मस्तिष्क जिस तरह की परिस्थितियों में डाला जाता है, उन परिस्थितियों में जैसे रिजल्ट मिलते हैं उसके हिसाब से सीखता है। इसीलिए जब बच्चों को 9-10 साल तक वो बड़े हो रहे हैं तो कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चा तो सीख रहा है। हो सकता है आपको लगता हो कि ये कोई बदमाशी कर रहा है या खुराफात कर रहा है, लेकिन वो सीख रहा है, और उसकी अपनी अलग अलग तरह की लर्निंग है। हर बच्चे की अपनी अलग लर्निंग है, अलग है, इसीलिए हर बच्चा शायद एक दूसरे से अलग होता है। एक ही परिस्थिति में दो बच्चे अलग तरीके से डेवलप होते हैं, क्योंकि उनकी सीखने का तरीका अलग है, उनका मस्तिष्क अलग तरीके से सीख रहा है। और जब वो सीख रहे हैं और उनसे कोई गलती हो रही है, उसी समय अगर आपने उनको मारा तो क्या होगा, उनका न्यूरॉन कंफ्यूज हो जाता है और उनकी निर्णय लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है, जो कि आने वाले समय में उनकी सफलता के आड़े आती है। इसलिए मेरा अभिभावकों से ये आग्रह है कि वो 9-10 साल तक बच्चों को डांटने या मारने के बजाय उनसे बात करें, डायलॉग करें, कम्युनिकेट करें, लेकिन शायद माँ बाप के पास बच्चों के लिए समय नहीं है आजकल, जो सबसे बड़ी समस्या है। तो किसी ऐसे व्यक्ति को रखे जो उनसे बात करे। मारना सलूशन नहीं है, बात करना सलूशन है, क्योंकि उससे उनकी लर्निंग और बढ़ेगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी, उनका मस्तिष्क और प्रभावशाली और शक्तिशाली बनेगा,
आने वाले समय में वो और सफल होंगे अपने जीवन में, ये बहुत आवश्यक है। तो जब बच्चा सीख रहा है 9-10 साल तक, उस समय ही उसकी सारी प्राइमरी एजुकेशन हो रही है, तो उस समय हम जो सिखा देंगे वही व्यक्तित्व लेके वो बड़ा होगा, उसके बाद उसको कुछ अलग से सिखाया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें ये बहुत आवश्यक है कि बच्चे हर वर्ग के साथ में पढ़ें, एक चीज़ आवश्यक है। दूसरा है उनके व्यक्तित्व के विकास से संबंधित चीज़ें उनको अधिक से अधिक पढ़ाई जाएं, जैसे देश प्रेम की भावना, ये बहुत आवश्यक है, नैतिक शिक्षा, माता पिता गुरु और बड़ों के प्रति सम्मान करना, सहयोग की भावना का विकास, मिल के काम करना, दूसरों के खुशी में खुश होना, सबको साथ लेके चलना। मुझे एक उदाहरण आता है, अफ्रीका में एक बार क्या हुआ, कहीं कोई पादरी थे तो वो गए, वो बहुत सारे बच्चे वहाँ थे, तो उन्होंने बच्चों से कहा कि चलो हमारे पास जो है लड्डू है एक पैकेट, और तुम लोग दौड़ो और जो जीतेगा उसको ये सारा लड्डू मिल जाएगा। उनके आश्चर्यजनक रूप से वो सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक साथ दौड़ गए, तो उनको आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों किया, तो बच्चों ने कहा कि हम चाहते थे कि सब जीते। तो ऐसी भावना का विकास करना है, और स्कूल क्या कर रहे हैं, कंपटीशन की भावना का विकास कर रहे हैं, और ये आने वाले समय में बहुत खतरनाक हो रहा है। ये जो कंपटीशन की भावना है एक दूसरे से, ये फिर क्या करती है कि एक दूसरे को नीचे गिराने की भावना भी विकसित कर देती है, और ये सहयोग की भावना के बहुत ही अगेंस्ट होती है। अभी हमने एक ताज़ा उदाहरण देखा, एक बहुत ही अच्छे एक्टर का निधन हुआ, उसने सुसाइड कर लिया। ऐसा क्यों हुआ, शायद इसी कंपटीशन की भावना के नाते, शायद कुछ लोगों ने उस कंपटीशन में उस पूरी चीज़ को कंपटीशन बना लिया, और जब व्यक्ति हारा हुआ महसूस करता है तो वो कुछ भी कर सकता है। तो हमें बच्चों को ये सिखाने की आवश्यकता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, अगर कंपटीशन करना है तो अपने आप से करना है, अगर 100% देना है तो अपना 100% देना है, और अपना 100% देना मतलब कंपटीशन नहीं है, 100% देना मतलब आपका 100%, क्योंकि हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का 100% अलग होता है। ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है, हमें बच्चों को ये सिखाना है कि वो देखें कि आज का दिन पिछले दिन से वो अच्छा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अपने आप से कम्पीट करें, कम्पीट अपने आप से करना है और कोलैबोरेट सबके साथ करना है। तो क्या हम ये सिखा रहे हैं स्कूलों में, क्या हम बच्चों को योग सिखा रहे हैं, प्राणायाम सिखा रहे हैं, क्या उनको ऐसी चीज़ें हम बता रहे हैं कि वो स्वस्थ रहें सारा जीवन? ये हमें बचपन से आदतें डालनी हैं उनके अंदर, अगर ये आदतें उनके अंदर पड़ गई बचपन से तो पूरा जीवन वो स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है सफलता के लिए। ये चीज़ें हमको सिखानी है। क्या हम उनको देश के लिए त्याग की भावना सिखा रहे हैं? ये तो देश ऐसा है जो साधुओं का देश था, यहाँ पे चरित्र का बहुत महत्व है, ये शायद बाकी देशों जैसा नहीं है। मुझे एक चीज़ याद आती है कि मेरे विश्वविद्यालय में एक बार कुछ छात्र थे, और एक शिक्षक ने कहा कि तुम लोग रोज़ 400 मेल भेजोगे किसी कॉन्फ्रेंस के लिए, और अगर 400 ईमेल नहीं भेजे तो तुम्हें हम नंबर नहीं देंगे। तो बच्चों ने एक दो ने मुझे बताया, तो मैंने उस शिक्षक से कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा, अरे ऐसी क्या बात है, बच्चे हैं उनसे हम कुछ काम करवा रहे हैं। हम कहे, नहीं, काम करवाना तो अच्छा है, लेकिन एक चीज़ को आप सोच नहीं रहे हैं, हमारा काम चरित्र निर्माण भी है। यदि आज हम अपने बच्चे को ये सिखा देंगे कि नंबर के लिए तुम 400 मेल भेजो, कंप्रोमाइज़ करना सिखाएंगे, तो पूरे जीवन कंप्रोमाइज़ करेगा। हमें ऐसा देश नहीं बनाना है, हमें ऐसे नौजवान नहीं बनाने हैं। अगर ये देश को आने वाले 1000 वर्षों तक गुलाम नहीं रहना है, आज़ाद रहना है सम्मान के साथ, तो हमें त्यागी, बलिदानी, देश से प्रेम करने वाले नौजवान तैयार करने, योद्धा तैयार करने हैं, हर समय कंप्रोमाइज़ करने वाले लोगों को तैयार नहीं करना है। तो जिस चीज़ को आपने बहुत अलग नज़रिए से देख रहा था, मैंने शिक्षक से कहा उसको ज़रा अलग नज़रिए से देखने की कोशिश करें। तो शिक्षक का बहुत बड़ा और स्कूलों का बहुत बड़ा ये जिम्मेदारी है कि व्यक्तित्व का विकास और चरित्र का निर्माण करें।
विषय पढ़ाना तो अलग है। आपको मैं बताऊं, छोटी कक्षाओं में गणित और भाषा ही पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि गणित से उनकी जो एनालिटिकल स्किल है वो डेवलप होती है और भाषाओं से उनकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होती है। क्यों नहीं एक हिंदी भाषी क्षेत्र का बच्चा तमिल भी सीखे, वो 4-5 भाषाएं अपने देश की सीखे। दक्षिण भारत का एक बच्चा हिंदी के अलावा भी और भी पंजाबी जैसी भाषाएं क्यों नहीं सीखे, अंग्रेजी सीख रहा है, विदेशी भाषाएं भी सीखे, फ्रेंच सीखे, जर्मन सीखे। जितनी अधिक भाषाएं आएंगी व्यक्ति उतना ही सफल होगा, उस उतना ही लोगों से वो बात कर सकता है। और हमने ये देखा है कि जो अच्छे लीडर्स हैं, चाहे वो बिजनेस में लीडर हों या राजनीति में लीडर हों या आध्यात्म के क्षेत्र में जो लीडर हैं या विज्ञान के क्षेत्र में जो लीडर्स हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल और एनालिटिकल स्किल जो है बहुत अच्छी होती है, और ये दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। तो इसके लिए गणित और भाषा पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, बाकी विषयों को तो बाद में भी पढ़ाया जा सकता है। दूसरी जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो है वैज्ञानिक सोच का विकास करना बच्चों में। पढ़ाना नहीं, विज्ञान पढ़ाना तो ठीक है, लेकिन वैज्ञानिक सोच का विकास करना, तो बच्चों को इस तरह की प्रायोगिक शिक्षा, प्रैक्टिकल शिक्षा दी जाए, उनको फील्ड में ले जाया जाए जहां से उनके मन में प्रश्न उठे। बच्चों के मन में अगर प्रश्न नहीं उठेंगे, या अगर प्रश्न उठेंगे और उनको दबा दिया जाएगा या उनसे कहा जाएगा कि यही सही उत्तर है, तुम इसको मान लो, तो व्यक्ति कभी भी एक अच्छा वैज्ञानिक नहीं बन सकता है। और ऐसी शिक्षा व्यवस्था मैंने बहुत देखा है, जो अच्छा शिक्षक है उसको कभी ये नहीं बच्चे के सामने प्रूफ करना चाहिए कि उसको बच्चे से ज़्यादा आता है। अगर मेरा छात्र मुझसे कम जानता रहा तो ये मेरी असफलता है। मेरी सफलता इसमें है कि मेरा छात्र मुझसे अधिक जाने, कि हो सकता मैं गलत हूँ, और ऐसा ही हुआ है। विज्ञान के जाने कितने नियम गलत सिद्ध हुए हैं, लेकिन गलत वही तो सिद्ध करेगा जिसने उसको माना नहीं है। तो जब कोई भी छात्र मान लेगा कि शिक्षक ही सही है, तो कभी भी वो गलत को किसी भी ज्ञान का नया ज्ञान पैदा ही नहीं होगा। तो शिक्षक को एक तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि शिक्षक ये ना बच्चों को कहें कि उन्हें आता है, और कोई बच्चा अगर गलती कर रहा है तो उनको गलत ना कहें, हो सकता है कि वही सही हो, अभी तक का जो ज्ञान दुनिया में है वो सही ना, उसको ऑब्जर्व करें, उसको मौका दें, ये बड़ा। तो वैज्ञानिक चिंतन, वैज्ञानिक सोच का विकास करना चाहिए। सिर्फ किताब पढ़ाना शिक्षा नहीं है, ये शिक्षा व्यवस्था की एक बहुत बड़ी कमी है, जिसमें हम बच्चों को किताबों से के बोझ तले दबा दे रहे हैं, और बच्चे सिर्फ रट रहे हैं और आके इम्तहान में उल्टी कर रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे हैं। जब तक स्वयं सोचने की क्षमता न विकसित हो बच्चों में, स्वयं सीखने की क्षमता न विकसित हो, और हम लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं और कोचिंग पढ़ाते हैं, मेरा इस मामले में बड़ा ही स्पष्ट है कि बच्चों को कोचिंग और ट्यूशन में बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं, बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि तुम्हें किसी सहारे की आदत डाल रहे हैं, उसको वैशाखी दे रहे हैं। हर बच्चा इतना प्रबुद्ध है और पुस्तकों का ज्ञान उसके सामने है, शिक्षक को सिर्फ गाइड की तरह काम करना चाहिए, उनमें ऐसी स्किल डेवलप करनी चाहिए कि उन किताबों से स्वतः समझें, स्वतः ज्ञान को लाएं। ज्ञान की परिभाषा यही है कि अगर उचित इन्वायरमेंट मिले, वातावरण मिले, तो ज्ञान अंदर से प्रकट होता है। तो ये शिक्षक, ये स्कूल, ये माता पिता, ये समाज, ये खेल के मैदान, ये झरने, ये नदियाँ, ये जंगल, ये वातावरण देते हैं। ज्ञान हमेशा व्यक्ति के अंदर से प्रकट होता है, तो शिक्षकों को वातावरण देने का प्रयास करना चाहिए, ज्ञान को थोपना नहीं चाहिए, ज्ञान जो छात्र है उसके अंदर से स्वतः आना चाहिए। तो इस तरह की भूमिका विद्यालयों को करनी चाहिए, और ऐसी भूमिका के लिए कोई बहुत ज़्यादा पैसे वाले स्कूल या बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल की आवश्यकता नहीं, ये किसी भी स्कूल में हो सकता है, बशर्ते शिक्षक को ये पता होना चाहिए उसे क्या करना है।